हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे केले के चिप्स बनाना वेफर्स, जो कि हम घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो बनाना वेफर्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें कच्चे केले लेने होंगे, तो कच्चे केले ले लेंगे और उसके बाद उन्हें साफ करके रख लेंगे और एक कप में पानी ले लेंगे। इसमें हम एक चम्मच सेंधा नमक डालेंगे, क्योंकि ये हम व्रत के दौरान भी खा सकते हैं, तो इसके लिए हम सेंधा नमक यूज करेंगे और इसे अच्छी तरह से घुलने तक घोलते रहेंगे। तो ये घुल चुका है, इसे अलग रख देते हैं। तो केला ले लेंगे और सभी केले को एक साथ नहीं छीलना है, क्योंकि केलों का कलर काला पड़ जाता है, इसलिए एक एक केला लेंगे और पहले एक केले के चिप्स बनाएंगे। तो इस तरह से छीलकर डंठल निकाल देंगे और अब ग्रेटर ले लेंगे। तो ग्रेटर से हम केले को ग्रेट कर लेंगे, तो इस तरह स्लाइस में ग्रेट करेंगे जिससे चिप्स तैयार हों। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि सभी के एक केले के एक साथ चिप्स बनाकर प्लेट में रख सकते हैं। तो अब इन्हें हम तल लेंगे। तो ये तेल मैंने पहले ही गर्म कर लिया है, तो तेल को पूरी तरह से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इन्हें एक एक करके डालेंगे, सभी को एक साथ नहीं डालना है क्योंकि आपस में चिपक जाते हैं, इसलिए एक एक करके डालेंगे। तो सभी को डाल दिया है, तो अभी एक तरफ से पकने लगे हैं, तो इसके बीच में ही हम थोड़े से तल जाएं, तो उसके बाद हम ये एक चम्मच पानी डाल देंगे जो नमक का पानी बनाया है। तो इससे तेल का टेम्परेचर भी थोड़ा गिर जाएगा और नमक भी सभी चिप्स के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि नमक का स्वाद हम अलग से नमक डालते हैं तो वो अंदर नहीं आता। तो इस तरह से डालेंगे तो सभी चिप्स में अंदर तक नमक का स्वाद आएगा। तो अब इन्हें इस तरह से हिलाते जाएंगे और ये पूरी तरह से तल जाएंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे जिससे क्रिस्पी बनेंगे बिल्कुल। और इन्हें हम कभी भी रख सकते हैं, मतलब एक महीने तक भी रखेंगे तो भी ये क्रिस्पी ही बने रहेंगे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे चिप्स तैयार हो जाते हैं। तो अभी पूरी तरह से तल चुके हैं, हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इन्हें एक छलनी में रख देंगे, जिससे जो भी इनके अंदर फालतू तेल होगा वो निकल जाएगा। तो ये केले के चिप्स देखिए बिल्कुल भी काले नहीं पड़े हैं और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही क्रंची हैं। तो दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम ग्रेटर से डायरेक्टली कढ़ाई में चिप्स को डाल सकते हैं। इसमें सिर्फ हाथ पर छींटे पड़ने का डर रहता है, वैसे हम ऐसे भी डाल सकते हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उससे आप ये चिप्स बना सकते हैं। तो सभी को इस तरह से डाल देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि सभी केलों को एक साथ चिप्स बनाकर ना रखें, क्योंकि वो काले पड़ जाएंगे, देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। पहले वाली प्रोसेस से ही हम एक चम्मच नमक डालेंगे, जिससे नमक इनके अंदर मिल जाएगा और तेल का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, क्योंकि अगर हम हाई टेम्परेचर रखेंगे तो ठीक से पूरी तरह से लाल हो जाएंगे चिप्स और अच्छे नहीं लगेंगे और क्रिस्पी भी नहीं रहेंगे ज़्यादा देर तक। तो इससे क्या होता है, बहुत देर तक क्रिस्पी रह सकते हैं। तो अब देखिए चिप्स बिल्कुल तैयार हैं, तो इन्हें हम सर्व करेंगे। और इनमें हमने नमक डाल चुके हैं, लेकिन यदि और मसाले भी आप डालना चाहो तो थोड़े से डाल सकते हैं, और ज़्यादा स्वाद बढ़ जाएगा चिप्स का। तो ये हम व्रत के दौरान खाए जाने वाले चिप्स बना रहे हैं, तो आप इनमें इसी तरह से मसाले डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ले लिया है और थोड़ा सा नमक और डाल देंगे स्वाद के अनुसार, क्योंकि ऑलरेडी इनमें नमक है तो थोड़ा सा ही डालेंगे, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो बहुत ही बढ़िया चिप्स तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची चिप्स तैयार हुए हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया चिप्स तैयार हुए हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।